A very good evening to all of you. A very good evening to all of you. I welcome you all in Mahindra's official YouTube channel. मैं आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जल्दी आइए, फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का लाइव एग्जाम जो कि 11वां नंबर का चल रहा है, आपको पता है, जिसमें मैं अभी तक मेरे द्वारा पढ़ाए गए लास्ट नवंबर से लेकर अभी तक जितने भी मैं 500 से ज़्यादा MCQs कवर अप करा चुका हूं, उसका ही हम लोग यहां पे क्या कर रहे होते हैं, रिविजन कर रहे होते हैं, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई है चीज़ों को, तो मैं विश्वास रखता हूँ कि आप उन सभी चीज़ों को बताओगे। तो फटाफट ज़रा सेशन को क्या करिए, शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ में, अभी सबने मित्र सभी मित्रों के साथ में जितना हो सके। तो चलिए इसी कड़ी में हम लोग आगे देख लेते हैं। आज हमारा लाइव एग्जाम नंबर 11 है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड है सारे क्वेश्चन, में जो भी कराता हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस कराता हूँ। जो भी नए बच्चे जुड़ते चले जाते हैं वो ये ध्यान रखा करिए कि इस सेशन को आप अटेंड करना ना भूलें, क्योंकि लाइव एग्जामिनेशन क्या है, नवंबर से अभी तक जो 500 क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं, ठीक है, उन सभी क्वेश्चन को एक तरीके से उनमें नए क्वेश्चंस भी डाले जाते हैं यहाँ पे। और दूसरी बात, ये मिक्सचर होता है एक तरीके से, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सारा मिक्स होके आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या क्या देखा था जरा एक बार देख लेते, क्योंकि आपको पता है कि मैं रिविजन पर बिलीव रखता हूँ, चीज़ों को रिवाइज करते हुए आगे चलता हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने 10th जो चल रहा था हमारा, 10th जो हम लोगों ने कवर अप किया था उस पर ही आगे बात करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने सतपुड़ा की रिवर्स पे बात करी था कि सबसे ओल्डेस्ट रेंज कौन सी है माउंटेन की हमारे पास में। उसके बाद वेदों पे बात किया था हम लोगों ने, ऋग्वेद कौन से पार्ट में आता है, फिर ऋग्वेद में कितने मंडल पाए जाते हैं, किस मंडल में यहाँ पर किस वंश में यहाँ पर बात करी जा रही थी, आपको याद होगा मैंने हर एक चीज़ आपको बताई थी। फटाफट सेशन को शेयर करिएगा। हाइएस्ट रेनफॉल के बारे में बात करी थी, लोएस्ट रेनफॉल के बारे में बात करी थी, या सुनो मिनामाटा डिजीज को लेकर बात करी थी, ये हम लोग बात कर चुके हैं बहुत डिटेल में। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे गवर्नर जनरल पे बात करी थी, फिर हम लोगों ने यहाँ पर बात करी है कि जो यहाँ पर रणथंभौर, काजीरंगा और यहाँ पर जो नेशनल पार्क्स होते हैं उन पे बात करी। फिर यहाँ पर हम लोगों ने बात करी किस पे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे इस पे बात करी। चलिए यहाँ पर बात कर लेते जरा, ईज ऑफ लिविंग पे बात करी थी, नामदफा नेशनल पार्क पे बात किया था। फिर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे किसके बारे में, रिंग ऑफ फायर के बारे में। जरा आइए फटाफट, आई एम ऑडिबल नॉट, क्या मेरी आवाज़ सबसे अभी तक आ रही है, फटाफट बताइएगा। यहाँ पे अटॉर्नी जनरल पे बात किया था हम लोगों ने, चलिए अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल बताइएगा फटाफट, जल्दी से बताइएगा। फिरोज शाह कोटला के बारे में बात किया, फिर हम लोगों ने भूकंप पे बात किया, सिस्मिक वेव्स पे बात किया हम लोगों ने। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात किया। मीटियोर्स पे बात किया होगा हम लोगों ने, वेरी गुड, ठीक है। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस पे हम लोग बात कर चुके थे, ठीक है, एक एक अनुच्छेद पे बात किया हम लोगों ने। चलिए UNDP का हेडक्वार्टर पूछा था मैंने, जल्दी बताइएगा फटाफट। फिर यहाँ पे चोला डायनेस्टी के बारे में बात किया था, द डॉक्टर नीति आयोग के बारे में बात किया, फिर सारी रिवर्स के बारे में बात किया। तो ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं आपसे इन अ वेरी प्रॉपर वे, हम लोगों ने बात कर चुके थे। यस ऑडिबल, थैंक यू। चलिए लिच्छवी दोहित्रा किसको कहा गया, DNA क्या होता है, कहाँ पर पाया जाता है, आउट यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया उसका आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, दोनों क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन मैंने करवाए थे आपको। फिर प्लानिंग डेवलपमेंट को लेकर बात कर दिया था हम लोगों ने। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन क्या आ रहा था, बायोस्फीयर रिजर्व भी बात कर लिए थे हम लोग, टंगस्टन क्यों यूज़ किया जाता था, सिमलीपाल क्या है भाई, महावीर क्या था, इनसे भी बात कर लिया था। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के हम सामने आ रहा है, व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन सा है, जिंक है, कॉपर है, आयरन है, या फिर यहाँ पर आपका, यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम है या आयरन, यहाँ पर मिल जाएगा जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन। चलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्रस्ट की, तो आपको बहुत बेहतरता से पता होना चाहिए क्योंकि आप क्लासेस कर रहे हैं बहुत पहले से, क्योंकि जो हमारी अर्थ है उसको अगर हम लोग इस तरीके से डिवाइड करें तो यहाँ पर हम लोग को इस प्रकार से क्या दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर दिखाएगा डिप्रेशन के साथ में यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें दिखाई देगी, क्योंकि अनइवन है हमारी क्रस्ट। क्रस्ट कैसी है सर, अनइवन है हमारी, क्लियर हो रहा है, एक जैसी नहीं है हर जगह। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या मिलता है सर, मेंटल मिलता है, फिर यहाँ पर आपको क्या मिलता है सर, कोर मिलता है, इसको भी हम लोग डिवाइड कर चुके हैं अलग अलग पार्ट में। एक तो हो जाता है सर क्या, एक तो हो जाता है सर इनर कोर और एक हो जाता है सर आउटर कोर, आपको याद होगा आउटर कोर और इनर कोर, जल्दी से बताइएगा यहाँ पे क्या आंसर होगा। यहाँ पे आयरन बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एल्यूमिनियम आंसर कर रहे हैं। उसी तरीके से फटाफट यहाँ पे बात कर लेते हैं, मेंटल भी दो तरीके का हो जाता है, एक तो यहाँ पे आउटर मेंटल और आपका इनर मेंटल। फिर यहाँ पे क्रस्ट भी दो तरीके से हो जाती है, एक तो आउटर क्रस्ट और एक इनर क्रस्ट। एक क्या हो जाती है सर अपर क्रस्ट, सॉरी एक हो जाती है सर अपर क्रस्ट और एक हो जाती है लोअर क्रस्ट, आपको याद होगा ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। और मैंने कहा था कि जो अपर क्रस्ट होती है वो किससे बनी होती है, वो बनी होती है सर यहाँ पर किससे, सियाल। सियाल क्या होता है सर, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। और वहीं जो लोअर क्रस्ट होती है जिसको हम भूपर पट्टिका बोल देते हैं, भूपर पट्टिका, जरा जरा सेशन को शेयर करिएगा,
ऑल करेक्ट है, विनीत ने सही बोला, ऑल करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे विनीत आप ये पढ़ना भूल गए, प्रचुर मात्रा में, एबंडेंट मात्रा में आप ये पढ़ना भूल गए। करेक्ट तो सभी हैं, सभी पाए जाते हैं, सभी करेक्ट हैं, बट यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है सर, सीमा, सीमा मतलब कि सिलिका एंड मैग्नीशियम, क्लियर हो रहा है यहाँ पर, तो ये मिलेगा आपको। और वहीं हम लोग अगर मेंटल की बात कर रहे होते हैं, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं सर, मेंटल की बात कर रहे हैं, तो मेंटल में आपको क्या मिलता है यहाँ पे, मेंटल में आपको मिलता है एम जी एंड एफ ई, क्या मिलता है सर, एम जी एफ ई। वहीं अगर यहाँ पर बात कर लें, यहाँ पर मिलेगा आपको नीफा, नीफा क्या होता है सर, निकिल एंड फेरस, जल्दी से आइए यहाँ पे, यस बहुत बढ़िया, तो ये पार्ट हो जाता है। अब इसमें भी अगर हम लोग देखें तो देखो, सिर्फ हम अभी इसकी बात कर रहे हैं सर, आप सिर्फ क्रस्ट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं सर अभी आप, सिर्फ आप अभी क्रस्ट की बात कर रहे हैं, भू पर पटिका की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भू पर पटिका की बात कर रहे हैं। ये क्या है सर, ये मेंटली कहलाता है एक तरीके से, और ये क्रोड़ मतलब कि क्रोड़ कहलाता है या फिर कोर कहलाता है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, फटाफट जरा सेशन को शेयर करिएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्रस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पाया जाती है वो चीज क्या होगी, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्रस्ट में पाया जाता है सर ऑक्सीजन, क्योंकि क्रस्ट में ही सॉइल मिलेगी आपको, SiO2, यस और नो। फिर क्या मिलेगा सर, सिलिका मिलेगा, फिर आपको क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा, और फिर आपको क्या मिलेगा सर, फेरस मिलेगा, क्या मिलेगा सर, फेरस मिलेगा। होल, अगर होल अर्थ की बात कर देते हैं, पूरी अर्थ की बात कर देते हैं, पूरी अर्थ में आपको सबसे ज्यादा मिलेगा आयरन, क्यों, क्योंकि आयरन आपको मेंटल में मिल रहा है, आयरन आपको कहां पर मिल रहा है सर, नीफा, मतलब कि यहां पर आपको आयरन कहां मिल रहा है सर, कोर में भी मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, फिर क्या होता है ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर सिलिका, देन मैग्नीशियम, और देन निकिल हो जाएगा आपका। आई होप यहाँ तक क्लियर है, फटाफट यहाँ पे शेयर करिएगा, यस। एयर लिखा था क्या विनीत, एयर लिखा था क्या सर, मॉर्निंग क्लास कर दिया, नहीं भाई डेली क्लास ले रहा हूं मैं, तो डेली क्लास ले रहा हूं। और फिर अगर यहाँ पे एटमॉस्फेयर की बात कर लो, एक एक डेटा और जोड़ दे रहा हूँ आपके सामने, जरा फटाफट सेशन को शेयर करो सभी लोग अपने सभी दोस्तों के साथ में। अगर हम लोग वायुमंडल की बात कर लेते हैं यहाँ पे, वायुमंडल में आपके सामने क्या मिलता है, वायुमंडल में सबसे ज्यादा आपको मिलता है क्या सर, नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन ऑर्गन, और फिर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यस नो, ठीक है सबसे। फिर यहाँ पर अगर बात करें पूरे यूनिवर्स की बात बताओ, जरा पूरे ब्रह्मांड की बात बताओ भाई, हमको पता है, हमको पता है एक चीज, क्या हमको ये चीज पता है कि जो एल्गोरिदम है कहीं ना कहीं, जो कंप्यूटर का एल्गोरिदम है, फास्टेस्ट एल्गोरिदम, उससे कहीं ना कहीं एल्गोरिदम से ये हमको पता लगा है कि एक गैलेक्सी में यहाँ पर 10^11 स्टार्स पाए जाते हैं, क्लियर। और यहीं पे बोल दिया गया कि एक हमारा जो यूनिवर्स है, जो हमारा यूनिवर्स है उसमें क्या है, 10^11 गैलेक्सीज भी मिल रही हैं, मतलब आकाश गंगाएं मिल रही हैं, क्लियर है यहाँ तक। तो टोटल काउंट करते हो तो हमारी पूरी गैलेक्सीज में 10^22 स्टार्स यहाँ पर एल्गोरिदम से निकाल दिए गए हैं, एक तरीके से गणना से निकाल दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेशन से बताया गया है, अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग इतने पाए जाते हैं। तो सब भाई स्टार किससे बने होंगे, स्टार हमको पता है स्टार वही होता है जहां पर कहीं ना कहीं हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रही है हीलियम में, किसका मतलब क्या है सर, वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, मतलब कि वहां पर नाभिकीय संलयन हो रहा है। तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा सर पूरे यूनिवर्स में, क्योंकि स्टार सबसे ज्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है, थोड़ी क्लास कीजिए भाई, इतना स्लो तो पढ़ाता हूं मैं, चलिए कोई बात नहीं, आपका कहना सर आंखों पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, हाइड्रोजन और हीलियम हो जाएगा, क्लियर हो रही है यहां तक बात। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने बात करी हैं, ये सारी चीजें बात करी हैं, क्रस्ट जिसको हम लोग क्रोड़ बोलते हैं, होल अर्थ सॉरी जिसको हम लोग भू पर पटिका बोल देते हैं, ये हम लोगों ने देखा। देखो जब ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, ज्यादा डिटेल भी जाना बुरा हो जाता है, ठीक है ना। तो होल क्या होता है, पूरी अर्थ में, क्लियर हो रहा है यहाँ तक, पूरी अर्थ में। और फिर यहाँ पर वायुमंडल में मैंने बता दिया, पूरी यूनिवर्स में आपको बता दिया। तो सारी बातें मैंने यहाँ पर बता दी, एकदम कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया आपके सामने कि भैया अगर आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछ ले, कभी भी पूछ ले, ध्यान सुनना, कभी भी क्वेश्चन पूछ ले, सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाएगा, ध्यान सुनो, एलिमेंट जो होता है ना उसको बोलते हैं यहाँ पर तत्व, ध्यान समझ में आया। और अगर मेटल बोल देता है तो इसका मतलब होता है यहाँ पर क्या, अगर एलिमेंट बोल रहा है तो तत्व हो जाएगा, और यहाँ पर मेटल बोल रहा है तो धातु हो जाएगा। क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बड़े ध्यान सुनना, यहाँ पर लिखा है क्या, धातु, मेटल लिखा है। तो अगर आपसे तत्व बोल दिया जाए, सबसे ज्यादा क्रस्ट में कौन सा है सर, ऑक्सीजन है। अगर पूरी अर्थ में देखा जाए तो तत्व और मेटल, पूरी अर्थ में जिसमें आप मेंटल भी काउंट कर रहे हो, जिसमें कोर भी काउंट कर रहे हो, तो उसमें हो जाएगा आयरन। आई होप यहाँ तक क्लियर है। बट अगर यहाँ का आंसर देखोगे तो यहाँ का आंसर होगा एल्यूमिनियम, क्योंकि आपसे पूछ रहा है क्या, क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको, क्या मेरी बातें समझ में आ रही है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ये बताओ ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ बंधु, ठीक है।
विशाल ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। देखिए जैसे जैसे जिसको जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिल रही है वैसे वैसे उस चीज़ को वो अटेम्प्ट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर चीज़ों को अटेम्प्ट करिए, ठीक है, और मैम भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे हमारी हमारे पर ये अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम उसको लेकर आगे चलेंगे। चीज़ें क्लियर हो रही है विशाल? चलिए आगे बात कर लेते हैं। सेकंड मोस्ट क्या हो जाएगा सर? सिलिका हो जाएगा। अब आपको आंसर मिल गया। अगर सेकंड मोस्ट हमारी क्रस्ट में बोल दिया जाए, सेकंड मोस्ट बोल दिया जाए, तो तब तो क्या हो जाएगा सर? आयरन हो जाएगा। अगर सेकंड मोस्ट एलिमेंट बोल दिया जाए तो होल अर्थ में आयरन है, उसके बाद मैग्नीशियम है, फिर यहाँ पर क्या है मेटल अगर पूछा जाए तब क्या हो जाएगा? निकल हो जाएगा। सारा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर आपका क्लियर कर दिया, तो फटाफट इस सेशन को जरा शेयर करो। सारा सारा का सारा डाउट मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि ये मैं पहले पूछ चुका हूँ क्वेश्चन। मस्टर्ड, मस्टर्ड को क्या कहते हैं? मस्टर्ड किस फैमिली में आता है ये भी बता दीजिएगा। उसी के साथ साथ में तीन चार क्वेश्चन यहाँ पे और हो जाते हैं। पहला, ठीक है, फटाफट नेशनल बर्ड का हमारा नाम बताओ फटाफट, ठीक है, नहीं नेशनल फ्रूट का नाम बता दो। चलो ये बड़ा आसान है, ठीक है। फिर यहाँ पर बात आ जाती है सर नेशनल फ्लावर का नाम बता दो, फिर यहाँ पर नेशनल एनिमल का नाम बता दो, फिर यहाँ पर राष्ट्रीय पशु जिसको बोल देते हैं, ठीक है, नेशनल बर्ड का नाम बता दो फटाफट जल्दी से। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सही बता रहे हो भाई सभी लोग, ब्रेसिका हो जाएगा। ब्रेसिका, एल्बस यहाँ पर, मोरस अल्बा किसको बोल देते हैं यहाँ पर, किसको बोल देते हैं जल्दी से बताइएगा? पाइसम सटाइवम मटर को बोलते हैं, ठीक है, मटर को बोलते हैं। जिया मेज किसको बोलते हैं? जिया मेज यहाँ पर बोला जाता है किसको? जिया मेज बोला जाता है आपको मेज को, नाम से ही पता लग रहा होगा। मेज मतलब कि आपका एक प्रकार से बोल देते हैं क्या, मकई, ठीक है, मकई, ठीक है, यही बोला जाता है, ठीक है, मक्का बोल देते हैं यहाँ पे, क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो फ्रूट क्या है सर? मैंगो। हमको मैंगो मत बताइए, मैग्नीफेरा इंडिका बताइए। हाँ देखिए सभी लोग आंसर उल्टा उल्टा कर रहे हो, मुझे पता था। अरे साइंस का क्वेश्चन है बंधुओं, ये भी तो देखो। हाँ मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका फ्लावर क्या हो जाएगा? हाँ कमल बोलोगे, लेकिन कमल नहीं बोलना है यहाँ पे, यहाँ पे क्या बोलना है? निलंबस न्यूसीफेरा। एनिमल क्या है? पैंथरा टिग्रेस। क्लियर। बर्ड क्या है? पावो क्रिस्टाटा। समझ में आया? अभी क्लियर होगा? हाँ ठीक है, अब वो ही याद करोगे तो कैसे काम चलेगा? पावो क्रिस्टाटा। चलो फटाफट शेयर करो सेशन को। हाँ अगर मैं वृक्ष बोल देता हूँ, नेशनल ट्री बोल देता हूँ, तब क्या आंसर होगा आपका? तब होगा सर फिकस इंडिकस। अब इसको कोई मुझे बता दे, इसको कोई मुझे बता दे, फिकस इंडिकस, ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या? बरगद। नाम सुना है आप लोगों ने? बरगद आया ना, फिकस इंडिकस बोला जाता है उसको। चलिए क्लियर हो रहा है यहाँ पर? निलंबस न्यूसीफेरा, यस बहुत बढ़िया। पैंथरा टिग्रिस हो गया, बहुत अच्छे। जरा सेशन को जरा शेयर करिए। अब अगर मैं आपसे दो तीन क्वेश्चन और पूछता हूँ, वीट, वीट का साइंटिफिक नेम बताओ फटाक से, और यहाँ पे राइस का, राइस का बहुत पूछा जाता है आपसे, ठीक है, राइस का बहुत पूछा जाता है आपसे, तो ये आपको नाम बताइए, ठीक है। ब्रेसिका, ब्रेसिका यहाँ पर ऑयल निकलता है, ठीक है, ब्रेसिकेसी से ऑयल निकला था, मस्टर्ड बोला जाता है इस वजह से। तो ये मोरस अल्बा के लिए क्या बताया मैंने यहाँ पे? यस ब्रेसिकेसी फैमिली का है, यस बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप बीट का बताइएगा जिसको हम लोग होते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम, बोल दिया मैंने, समझ में आया? जरा फटाफट सेशन को शेयर करो। इसको बोलते हैं ओराइजा सटाइवा, ठीक है, ओराइजा सटाइवा। क्लियर है यहां तक? चलिए सेटिवा, सेटिवम एस्टिवम, सेटिवा एस्टिवम, चलो वेरी गुड, सही आंसर है। जरा फटाफट शेयर करो। अब देखो यहाँ पे साइंस का भी क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीकर, ये सब क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, टेस्ट चल रहा है। चलो बताओ मुझे फटाफट जल्दी से, लोकसभा एड्रेस कर सकता है अपना रेजिग्नेशन। तो रेजिग्नेशन के लिए तो मैं कितनी बार यहाँ पे बात कर चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन देगा, फिर से मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, वाइस प्रेसिडेंट किसको देगा, पीएम किसको देंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको देंगे, फिर यहाँ पर बात कर ली जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? स्पीकर किसको देंगे और डेप्यूटी स्पीकर किसको देंगे, ये हम मैंने पहले भी बात करी थी आपको याद होगा, और इसी तरीके से बात करी थी, ठीक है। हाँ
हाँ बहुत सारे क्वेश्चन क्या है यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ मैं, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो पाए। मैंने कहा था टेस्ट सीरीज यहाँ पे इसलिए आएगा ताकि आप यहाँ पे स्कोर बताओगे, और साथ ही साथ में आपको स्कोर भी बताना है जितना आपका करेक्ट होता जाता है। लास्ट में, लास्ट में देखो ध्यान सुनो, सेशन कंप्लीट होने के बाद में कॉमेंट बॉक्स में आप सभी अपने स्कोर को बताओगे कि अगर हम लोग जल्दी जल्दी 40 क्वेश्चन कर लेते हैं या 30 क्वेश्चन कर लेते हैं या 20 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको 20 में से कितने मार्क्स आए। इससे मुझे पता लगता रहेगा कि आपको यहाँ पर याद है और मैं इतना इलाबोरेट करके बता रहा हूँ जो उससे कहीं ना कहीं आपको फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा सर, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोग सही आंसर कर रहे हो, क्या हो जाएगा सर, डेप्यूटी यहाँ पर क्या स्पीकर। तो फटाफट इन सभी के नाम बता दो जरा, डेप्यूटी स्पीकर कौन है भारत में और स्पीकर कौन है भारत में। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें, ठीक है, प्रेसिडेंट किसको देते हैं भाई अपना रेजिग्नेशन, वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट किसको देते हैं सर, प्रेसिडेंट को। तो ये रेजिग्नेशन का पैटर्न समझ में आया। यहीं पर अगर हम लोग बात कर लें तो ये किसको देंगे सर, प्रेसिडेंट को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी किसको देंगे सर, प्रेसिडेंट को, बात समझ में आया। स्पीकर किसको देंगे, डेप्यूटी स्पीकर, और डेप्यूटी स्पीकर किसको देंगे सर, यहाँ पर क्लियर हो रहा है यहाँ तक, ठीक है, चेयरमैन को। अब दूसरा एक और पार्ट आ जाता है यहाँ पे, थोड़ा सा एक और रह गया चीज, एक हो जाता है सर चेयरमैन, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया सर चेयरमैन की बात कर ली जाए या डेप्यूटी चेयरमैन की बात कर ली जाए, तो मुझे जरा ये बताइएगा डेप्यूटी चेयरमैन और चेयरमैन किसको यहाँ पर रेजिग्नेशन देंगे, जल्दी से बताइएगा यहाँ पर डेप्यूटी चेयरमैन और चेयरमैन किसको रेजिग्नेशन देंगे, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ डेप्यूटी स्पीकर हैं एम वेंकैया नायडू सर, रितेश भाई साहब, बहुत गलत हो गुरु, बहुत गलत हो, ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ही गलत हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डेप्यूटी स्पीकर एम वेंकैया नायडू हैं, बहुत बढ़िया, एम वी नायडू हैं, बहुत बढ़िया। प्रतीक्षा जी आप भी पूरी तरीके से गलत हो, डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट है ही नहीं आज की डेट में, मतलब वैकेंट है, बता चुका हूं, पता नहीं कितनी बार बताया होगा, अब रिवीजन ही नहीं कर रहे हो तो कैसे काम चलेगा गुरु। देखो स्पीकर है ओम बिड़ला सर, ओम बिड़ला सर कहाँ से हैं सर, कोटा से है, डिप्टी स्पीकर पे कोई अभी वैकेंट सीट वैकेंट है यहाँ पर। स्पीकर कौन है, स्पीकर ही हमारे कौन है सर, वाइस, यहाँ पे हमेशा कौन होते हैं स्पीकर, हमेशा कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट किसको देंगे, सॉरी चेयरमैन बोलना था, चेयरमैन किसको देंगे यहाँ पे, चेयरमैन किसको देंगे सर, चेयरमैन किसको देंगे भैया बताइए फटाफट, प्रेसिडेंट को ही देंगे, समझ में आया, क्योंकि ये होते हैं क्या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, याद आया एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, याद आया, हाँ याद आया कुछ। यहां पर डेप्यूटी स्पीकर देंगे किसको, सॉरी डेप्यूटी चेयरमैन देंगे किसको, चेयरमैन को। अब वहीं पे अगर मैं सभी गवर्नर की बात कर दूं स्टेट के, सभी स्टेट के गवर्नर किसको देंगे रेजिग्नेशन, अपना रेजिग्नेशन सौंपेंगे किसको सर, प्रेसिडेंट को। सारा रिविजन हुआ या नहीं हुआ जल्दी से बताइए, हाँ वो मैं भी समृद्धि में बोली अभी मैं सोचने लगी कब बन गए थे, जरा सेशन को शेयर करो फटाफट। देखो एक क्वेश्चन नहीं होता, अब कलिंगा से रिलेटेड बात कर रहे हैं, कलिंगा की वॉर कब हुई थी भाई, कलिंगा का नाम बड़ा फेमस है, अभी तो उड़ीसा और उत्कल दिवस गया है, उत्कल दिवस मनाया गया है, उड़ीसा दिवस मनाया गया है, कलिंगा का एक बड़ा महत्व है, आपको पता होगा अशोका के बारे में, यह सुनो तो मुझे ये बताइएगा मौर्य वंश जो है, मौर्य वंश की शुरुआत किसने करी है, ठीक है। यहाँ पे देखो दिखा देता हूँ मैं, एक पूरा ट्रेली दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसे, देखो फटाफट जरा सेशन को शेयर करो। यहाँ पर हम लोग जब बात कर रहे होते हैं किसकी सर, मौर्य वंश की, तो मौर्य वंश की शुरुआत करी किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इसने किसको मारा, किसको हराया, ठीक है, इसको इसने किसको मारा था, किसको हराया था, धनानंद को मारा, उसके बाद इसका पुत्र आता है जिसका नाम होता है, इसका पुत्र आता है जिसका नाम होता है यहाँ पे क्या, बिंबिसार, क्या होता है सर, बिंबिसार। सर क्या आप सही लिख रहे हैं, बिंबिसार होगा या सर बिंदुसार होगा, कोई मुझे फटाफट बताए जरा फटाफट, चलो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हूं मैं आपके दिमाग में, थोड़ा सा कंफ्यूजन तो क्रिएट करूंगा ही करूंगा, क्योंकि ये टेस्ट चल रहा है आपका, टेस्ट तो होगा तो भाई मैं भी टेस्ट लूंगा यहाँ पे। 261 बहुत सही आंसर कर रहे हो भाई, परफेक्ट। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, 261 इसका आंसर हो जाएगा, अभी इसके बाद में और बताता हूँ, है ना। फिर यहाँ पर कौन हो जाएगा सर, अशोका आ जाएगा, चलो क्लियर है, अशोका अपने रेन पर बैठता है, सिंहासन पर बैठता है 269 में, कब बैठता है ये, 269 में आता है, चलिए क्लियर है यहाँ तक, चलिए क्लियर है यहाँ तक। अब अपने जब वो सिंहासन बैठता है दसवें ही वर्ष, सॉरी आठवें वर्ष क्या करता है,
आठवें वर्ष में कलिंगा पर लड़ाई लड़ता है, तो ऑब्वियसली बात है बीसी में चल रहे हो गुरु, तो बीसी में चल रहे हो तो माइनस करना पड़ेगा आपको, बिफोर क्राइस्ट चल रहे हो ना, चलो बिफोर क्राइस्ट चल रहे हो ना। हाँ यहाँ पर सर क्या नहीं होगा, सर यहाँ पे क्या होगा, बिंबिसार नहीं होगा, बिंदुसार होगा। मैंने ट्रिक बताई है ना, एन आता है पहले कि एम आता है पहले, याद आया ट्रिक बताई थी मैंने एक, तो मुझे बताइए कि बिंबिसार कहाँ पर है, कौन है ये बिंबिसार, कौन व्यक्ति है ये, जल्दी से बताइएगा। हाँ कौन व्यक्ति है, तो ट्रिक बताई थी मैंने 269 यहाँ होगा आठवें, और अपने ही जो जब सिंहासन पर बैठता है उसके आठवें वर्ष में 261 में ही कलिंगा पर ये युद्ध लड़ता है, और उसके दसवें वर्ष अपने रेन के जब ये बैठता है तो उसके दसवें वर्ष, ध्यान रखना एक एक पॉइंट, एक एक पॉइंट कवर अप करूंगा आपको मैं, ठीक है। कहाँ पर जाता है, सारनाथ जाता है, कहाँ पर जाता है, सारनाथ जाता है, ठीक है, कहाँ पर जाता है ये, सारनाथ जाता है, जहाँ पर सॉरी गया जाता है, बोध गया, ठीक है, बोध गया, ठीक है, बोध गया विजिट करता है, जहाँ पर लॉर्ड बुद्धा ने किस किसी प्राप्ति की थी, ज्ञान की प्राप्ति करी थी। तो दो साल बाद मतलब कि 259 बीसी में यहाँ पर जाता है, उसके अपने रेन के 20वें वर्ष कहाँ पर जाता है, 249 में लुम्बिनी जाता है, याद आया, यही बताया था मैंने, लुम्बिनी जाता है और वहां पर क्या करता है, 1/6 कर देता है टैक्स को, क्या कर देता है सर, 1/6 कर देता है, मतलब 1/6 टैक्स कर देता है, टैक्स में रिडक्शन कर देता है लुम्बिनी में। तो लुम्बिनी कहाँ पर पड़ता है सर, कपिला वस्तु, चलो ये भी बता दिया, कपिला वस्तु कहाँ पर पड़ता है जरा मुझे बताना, यहाँ पे जरा मुझे बताना कपिला वस्तु। और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे अशोका से रिलेटेड मैंने यहाँ पर बात कर ली, फादर ऑफ अशोका, यस, चलो चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सन बिंबिसार, कितना कविता जी कितना गलत आप आंसर बोल रहे हैं, बिंबिसार पहला व्यक्ति है, ध्यान सुनो, कंफ्यूज कर रहे हो अभी आप खुद को, ठीक है। बिंबिसार कौन है, बिंबिसार है हर्यक वंश का संस्थापक, हर्यक वंश का संस्थापक है, और मगध को एक तरीके से एग्जिस्ट में लाने वाला व्यक्ति है ये, ठीक है। और बिंबिसार का पुत्र होता है अजात शत्रु, जो अपने ही पिता को मारकर सिंहासन पर बैठता है, और यहां पर कौन हो जाएगा, इसका हो जाएगा बेटा कौन, बिंदुसार। कैसे मैंने बताया था ट्रिक, मैंने कहा था ये बताओ पहले एम आएगा कि पहले बी आएगा, पहले एन आएगा कि पहले डी आएगा, ट्रिक बताया था ऐसा कुछ, याद है। चलो हर्यक डायनेस्टी, यस हर्यक डायनेस्टी, अरे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, गलत, यही तो, तभी तो टेस्ट चल रहा है ना आपका, आपको प्योर, देखो एक बार बता दूं आपको, आपको देखो स्कोर सही बताना है, पहले बता देना है, क्योंकि आप अगर इस तरीके से करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा भाई, पूरा मैंने बता दिया, एक बार रिविजन करा दिया आपका। चलिए फिर से यहाँ बात करते हैं, रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है भैया जल्दी से बता दीजिए, जब हम लोग बात कर रहे होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको हम लोग परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, शुद्ध भाषा में बोला जाए सर परिसंचरण तंत्र बोलते हैं गुरु, इस परिसंचरण तंत्र में हम लोग क्या देख रहे होते हैं, बस हृदय देख रहे होते हैं, हृदय, ठीक है, और एक मतलब कि हार्ट देख रहे होते हैं, फिर हमारे पास में यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर वेन्स आ जाता है, सॉरी वेसल्स आ जाती है, वेसल्स जिसको वाहिनियाँ बोल देते हैं, वाहिनियाँ, क्लियर हो रहे हैं यहाँ तक, रुधिर वाहिनियाँ, क्या बोलते हैं सर, रुधिर वाहिनियाँ, ब्लड वेसल्स बोल देते हैं। फिर एक आ जाता है सर ब्लड कॉर्पसल्स, मतलब कि यहाँ पर हम लोग बात बोलें तो रुधिर कणिकाएँ होती हैं, रुधिर कणिकाएँ, समझ में आ रहा है मेरी बात, इन रुधिर कणिकाओं में तीन रुधिर कणिकाएँ बहुत फेमस हैं, जो तीन ही होती हैं भैया, एक तो होती है सर लाल रुधिर कणिका, एक होती है श्वेत रुधिर कणिका, आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा है बात, ठीक है। एक होती है यहाँ पर क्या, जल्दी से बताइए, एक होती है यहाँ पर क्या, प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं, श्वेत मतलब कि वाइट ब्लड सेल्स, रेड मतलब यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स, और यहाँ पर अगर आप बोलें तो ऑक्सीजन कैरी कौन करता है, अगर आप आरबीसी को देखें तो ये डिस्क्वाइडल शेप होती है, डिस्क्वाइडल क्या होता है, मतलब कि जैसे कि आपके घर में चाय होगी, तश्तरी रखी होगी चाय, ठीक है, चाय की अगर आप उस केतली को देखोगे तो ऐसे अंदर से डिप्रेस्ड होती है, तो दोनों तरफ से ये बाई कॉनकेव शेप की होती है, कैसे शेप की होती है सर, बाई कॉनकेव शेप की पाई जाती है, बाई कॉनकेव का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बोलेंगे क्या, द्वि अवतल दोनों तरफ से क्या है, अवतल है ये, ठीक है, और ऊपर से इसमें न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता, तो क्या बोलोगे सर, न्यूक्लियस नॉन न्यूक्लिएटेड मतलब कि इसमें न्यूक्लियस मतलब अकेंद्रकीय पाया जाता है, मतलब यहाँ पे केंद्रक नहीं पाया जाता है, कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, तो
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आपको दिखाई देगा क्या, इस तरीके से हीमोग्लोबिन लगा होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है भैया, ठीक है, हीमोग्लोबिन लगा होता है। तो ये ग्लोबिन क्या कर रहा होता है, ये जोड़ रहा होता है, ये जो एक हीमोग्लोबिन लगा होता है इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें होता है सर आयरन कंटेंट, और आयरन कंटेंट क्या करता है, अपने साथ चार ऑक्सीजन को जोड़ लेता है, कैरी कर लेता है और पूरी बॉडी में ट्रांसफर कराता है, पूरी बॉडी में क्या करा रहा है भाई, ट्रांसफर करा रहा है। लिजर्ट्स में आरबीसी नहीं पाई जाती है, अरे प्रभु लिजर्ट्स में आरबीसी नहीं पाई जाती है, श्योर हो? हाँ लिजर्ट्स में आरबीसी नहीं पाई जाती है भैया, श्योर हो? देखो आरबीसी अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा जाए अकेंद्रकीय, मतलब बोला जाए कि किसमें सारे सेलोग्नेट पाए जाते हैं, केंद्र भी पाया जाता है, मतलब कहा जाए तो केंद्र वाली, केंद्रक वाली यहाँ पर न्यूक्लियस वाली आरबीसी किसमें पाई जाती है सर, कैमल्स में पाई जाती है, ठीक है, कैमल से पाई जाती है सर, लामा में पाई जाती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा सर, रेड ब्लड सेल्स। क्या मेरी बात समझ में आई आप सभी को, जरा फटाफट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वैसे तो हीमोग्लोबिन होता है, सही आंसर कर रहे हो सभी लोग। हाँ कौन कहता है, हितेश यादव सर कह रहे हैं भैया, राम राम प्रभु राम राम। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है भाई, इकोलॉजिकल जोन की बात कर रही है सर, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। अब ये वो हॉटस्पॉट नहीं है जो आप अपने मित्र से मांग रहे होते हैं, अरे वो फोन वाला नहीं भाई, ये यहाँ पर इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट की बात चल रही है, ठीक है ना, पारिस्थितिकी तंत्र के हॉटस्पॉट्स की बात चल रही है। अगर हम लोग भारत में देखते हैं तो हॉटस्पॉट का मतलब क्या है, जहां पर फ्लोरा, एक बात बोला जाए सर, फ्लोरा एंड फौना एक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, एक अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। कहने का मतलब प्लांट और एनिमल भरपूर तरीके से दिखेंगे। तो अब पहले तो एक काम करो गुरु, पहले जरा सेशन को शेयर करो सभी लोग, सभी लोग अपने मित्रों तक, अपने जो भी आप जिस भी ग्रुप से जुड़े हुए हो उस ग्रुप में सेंड करो फटाफट, क्योंकि हमने अपने ग्रुप में सेंड कर दिया। आप बोलो सर आपका ग्रुप कौन सा है, GSGA विद संजय सर वाले टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, वहीं पर संजय सर आपको साक्षात मिल जाएंगे। कौन है संजय सर, अरे सामने बैठे हुए हैं भाई। चलो आगे बात कर लेते हैं, यस गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए आगे बात कर लेते हैं भाई, आइए आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा सर, इसका आंसर विनीत जो है वो सही दे रहे हैं, उसके बाद में हितेश भी दे रहे हैं सही चार, क्योंकि मैं यहाँ पर बता चुका हूँ चार होते हैं। अब वो चार कैसे होते हैं जरा देखो, यहाँ पे जब हम लोग हमारे भारत की बात कर रहे होते हैं तो एक जोन जो होता है ना हमारे पास में, एक जोन ये होता है, ध्यान सुनना बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे क्या, ठीक है, एक जोन हमारे पास में ये पाया जाता है, ठीक है, एक जोन हमारे पास ये पाया जाता है, ये बहुत ही ज्यादा क्या है सर, एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है। ये हो गया पहला हॉटस्पॉट। दूसरा जो हॉटस्पॉट होता है इसको हम लोग बोलते हैं सर हिमालयन, ठीक है, हिमालयन, हिमालय वाला हॉटस्पॉट। दूसरा क्या होता है सर, पूर्वी हिमालय, वेरी गुड, पश्चिमी घाट, बहुत बढ़िया, वेस्टर्न घाट, बहुत बढ़िया, वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट हो गया। उसके बाद सुंदरबन डेल्टा, बहुत बढ़िया, ये देखो यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा दिखाई देगा आपको, सुंदरबन डेल्टा। और फिर यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो इंडिया म्यांमार वाला बॉर्डर जो होता है, इंडिया म्यांमार वाला बॉर्डर, तो यहाँ पर क्या है आपको बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी डाइवर्सिटी दिखाई देगी। किस चीज़ की डाइवर्सिटी दिखाई देगी भाई, किस चीज़ की डाइवर्सिटी दिखाई देगी, प्लांट एंड एनिमल, क्या मतलब जीव जंतुओं की बहुत ज़्यादा संख्या आपको दिखाई देगी। सबसे पहले मैंने दिया था आंसर, मेरा नाम नहीं लिए, अरे राहुल सिंह सर ले लीजिए, आपका नाम ले लिए, हाँ भाई, नहीं आप राहुल सिंह सर ने आंसर किया था क्या, नहीं राहुल सर आपने आंसर नहीं किया था, उसके पहले विनीत ने आंसर कर दिया था। चलिए कोई बात नहीं, अरे आप सभी सही हो भाई, चलो क्लियर है यहाँ तक, जरा सेशन को जरा शेयर करना। अब ये बताओ भैया, अब ये बताओ कि यहाँ पर टू यहाँ पे इंश्योर अ मोर फोकस टू अप्रोच टूवर्ड्स द इशूज रिलेटिंग टू द नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। पहले तो ये बताओ इसके मिनिस्टर कौन है इस समय, इसके मिनिस्टर कौन है यहाँ पे, ये पोर्टफोलियो किसके हाथ में है, जल्दी से बताइएगा, माइनॉरिटीज़ के, और माइनॉरिटीज़ कितनी माइनॉरिटीज़ हैं, मैं डिस्कस कर चुका हूँ 6 माइनॉरिटीज़ होती हैं हमारे भारत में, और ये माइनॉरिटीज़ जो है ना वो कैसे सेलेक्ट करी जाती है माइनॉरिटीज़, जल्दी से बताइए, उनके सोशल स्टेटस पे, उनके इकोनॉमिकल स्टेटस पे, ठीक है, उनकी संख्या पर, जल्दी से बताइएगा, उनकी संख्या पर, अल्पसंख्यक संख्या के पे चुने जाते हैं या इकोनॉमिक स्टेटस पे, या बोल रहे हैं सोशल स्टेटस पे, जल्दी से मुझे बताइएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्तार अब्बास नकवी सर हैं, बहुत बढ़िया, वेस्टर्न कर्नाटका का बॉर्डर है, यस विशाल बहुत अच्छे,
ठीक है, यहां पर हम लोग बात करते हैं मुख्तार अब्बास नकवी। और अगर हम इनकी बात कर लें तो अभी इन्होंने क्या इनॉग्रेट किया है, एक संस्करण, कौन सा, करंट अफेयर में बताता हूं मैं आपको, अगर पता होगा, ठीक है, कौन सा सर, हुनर हाट, नाम सुना है, हुनर हाट कौन सा संस्करण है और भोपाल में हो रहा था अभी, आपको जैसे पता होगा उसके पहले। चलिए, 29th of January 2006 में यहां पर आंसर कर चुके हैं भाई सभी लोग, 2006 में आंसर कर चुके हैं, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। माइनॉरिटीज की यहाँ पर बात कर ली जाए पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, वेरी गुड, बहुत अच्छे, 6। अब यहाँ पर बात करी जाए कौन कौन सी माइनॉरिटीज हैं वो, अगर यहाँ पर बात देखते हो अल्पसंख्यक कौन से हो जाते हैं यहाँ पर, एक तो हो जाते हैं आपके सर मुस्लिम कम्युनिटी, दूसरा जैन कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस पारसी, जिसको यहाँ पर क्या जोरास्ट्रियंस भी बोल देते हैं आप, ठीक है, पारसी, एक और बच रहा है यहाँ पर, जल्दी से बताइएगा मुझे वो कौन सी होगी, जल्दी से बताइएगा वो मुझे कौन सी होगी, बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट कम्युनिटी। तो ये 6 कम्युनिटीज हैं, आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा है आपको। यस, थीम वोकल फॉर लोकल, बहुत बढ़िया। SSC GD कब आएगी, इंतज़ार करिए, आएगा, ठीक है। यस, अब यहाँ पर बताओ ज़रा, यहाँ पर बताओ जरा, क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए कि भैया इसको कंसिडर करो, इसको कंसिडर किया, स्प्लीन इज नोन फॉर द ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, ओके, हो सकता है, लाइफ स्पैन ऑफ द RBC इज 90 डेज, पता नहीं भाई, अभी नहीं पता मुझे, जल्दी से बताइए, सभी लोग का टेस्ट चल रहा है। यस, 6 कम्युनिटीज हैं, कुछ स्टेट में, चलिए अंतरिप, चलिए बताइए फटाफट, ये वाला क्वेश्चन बताइएगा, क्या आप सभी को समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा सही है, दोनों करेक्ट हैं, दोनों सही हैं, एक करेक्ट, पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, जल्दी से बताइएगा। देखिए, हम जब RBC की बात कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने देखिए, जब इन्फेंट्स होते हैं, जब इन्फेंट्स होते हैं, अब इन्फेंट्स क्या होता है सर, जैसे जच्चा बच्चा देखा होगा, जब नए नए बेबी को नवजात शिशु बोल देते हैं जिसको, ठीक है, नवजात शिशु बोल देते हैं, जब नवजात शिशु होता है उसमें क्या होता है, जो जो स्प्लीन होता है ना, जो स्प्लीन होता है या जो लिवर होता है ना, वो फॉर्मेशन करता है, किसका फॉर्मेशन करता है, किस चीज़ का सर, वो फॉर्मेशन करता है आपकी यहाँ पर ब्लड सेल्स का, ब्लड सेल मतलब कि रुधिर की कणिकाओं का, मतलब कि यहाँ पर बोल दिया जाए तो आपकी चाहे RBC हो, ठीक है, WBC हो, इन सब का निर्माण यही करता है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हैं, जैसे जैसे आप किशोर अवस्था में आ जाते हैं, दैट मीन्स यू आर बिकम मैच्योर, एडल्ट हो जाते हो धीरे धीरे, जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हो, वैसे वैसे क्या होता है, ये बनना शुरू हो जाते हैं आप बोन मैरो में, कहाँ पर बनते हैं सर, बोन मैरो। अब ये इसको क्या बोलते हैं सर, ये क्या बला है, ठीक है, बोन मैरो, अब आप बताइए जरा क्या होता है ये, इसको बोलते हैं सर अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, जल्दी से बताइएगा अस्थि मज्जा कहाँ पर पाई जाती है सर, जितनी भी अस्थियाँ होती हैं उनमें पाया जाता है। तो ये अब यहाँ पर क्या होता है, अब ये जब बनने बन जाती हैं, और जब RBC की बात कर ले स्पेशली, तो 120 दिन के बाद जब ये पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेती है RBC अपनी लाइफ, उसके बाद ये चली जाती है कहाँ पर सर, स्प्लीन में, ठीक है, स्प्लीन में चली जाती है, और स्प्लीन में जाने के बाद में यहाँ पर क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाती है। तो बात दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, दोनों ही बोथ वन सही हैं, दोनों दोनों स्टेटमेंट सही है, क्या कि भाई स्प्लीन में ही यहाँ पर इसको ग्रेवयार्ड ऑफ RBC भी कहा जाता है, और दूसरी बात कब्रगाह जिसको बोला जाए, कब्रिस्तान किसका कहा जाता है सर, RBC, और RBC की जो, सॉरी हाँ, 120 दिन होता है, ये मैं थोड़ा सा देखना भूल गया था, तो ये इनकरेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे खुद में सही लिख रहा था, उसके बाद गलत कैसे कर दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं है, ओनली वन आंसर होगा इसका, आई होप यहाँ तक क्लियर है। 92 120 120 एक अप्रॉक्सीमेटली एवरेज मानते हैं, होता है 120 से भी ज़्यादा, चलिए क्लियर हो रहा है सेशन आपको यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा जो है इसका आंसर हो जाएगा गाइस, चलो फटाफट जरा सेशन को शेयर करो भाई, चलिए, थैंक यू विशाल, बस अब 1 मिनट, कहाँ भाग रहे हो भाई, कहाँ भाग रहे हो, आओ। अब यहाँ पे बात हो रही है सर किसकी, सर पैराथायरॉइड की, बहुत महत्वपूर्ण है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये बताइए मुझे पैराथायरॉइड ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है, अगर हम लोग ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं, मैं कई बार यहाँ पे बता चुका हूँ, दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं, एक तो होता है सर एंडो, यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसको हम लोग बोल देते हैं बाह्य स्त्रावी ग्रंथियाँ, एक होती जाती हैं आपका एंडोक्राइन ग्लैंड जिनको हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ। अब यहाँ पर
अगर हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात कर ले तो यहाँ पर एक होती है सर पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग सबसे छोटी ग्रंथि के नाम से जान रहे होते हैं, याद आया कुछ? फिर हमारी होती है सर थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड। फिर होती है सर पैरा थायराइड ग्लैंड, आपको पता होगा सर पैरा थायराइड ग्लैंड, आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा है। फिर तीसरी बात जो हो जाती है हमको, तीसरी क्या हो सकती है, थाइमस ग्लैंड आ जाती है, ठीक है, थाइमस ग्लैंड आ जाती है। और फिर एक ग्लैंड आ जाती है आपको, एक बोला जाए तो पीनियल ग्लैंड आ जाती है यहाँ पे, ठीक है, पीनियल ग्लैंड आ जाती है, शरीर में होती है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग बात कर ले जरा, वेरी गुड, सही सही आंसर कर रहे हो, इसका आंसर हो जाएगा सर फोर। फोर क्यों हो जाएगा बताता हूँ अभी, एक सेकंड को। फिर उसके बाद थाइमस ग्लैंड के बाद में एक ग्लैंड आती है, इसको बोलते हैं सर पैनक्रियाज, पता है आपको? नहीं, अग्नाशय, अग्नाशय, ठीक है, पैनक्रियाज, क्लियर हो रहा है। फिर एक ग्लैंड आती है जो कि आपका किडनी के ऊपर पाई जाती है, इसको बोलते हैं सर एड्रीनल ग्लैंड, याद आया कुछ? फिर उसके बाद मेल में पाया जाता है टेस्टिस, और फीमेल में पाया जाता है क्या? ओवरी। चलिए अब यहाँ पर बात हो गई, तो फोर हो गया। अब फोर कैसे दिखाओगे? यहाँ नेक पे, अगर यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे नेक पे क्या होता है, इस प्रकार से आपका एक तरीके से ब्रोंकस या विंड पाइप होता है, ठीक है, इस तरीके से विंड पाइप या फूड पाइप दोनों होते हैं, फेरिंग्स के पास में, फेरिंग्स के पास में। यहीं पर आपको इस तरीके से यूं एच शेप की, एच शेप, बटरफ्लाई शेप की एक यहाँ पर क्या मिल जाती है, इस प्रकार से एक ग्लैंड मिल जाती है। इसमें, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर थायराइड, और इसमें ये जो बिंदी नुमा संरचना में बना रहा हूँ इसको बोलते हैं पैरा थायराइड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं सर पैरा थायराइड। कोई मुझे इनके हार्मोन्स बताइएगा, क्योंकि हार्मोन्स बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फोर आंसर आ जाएगा, सारा मैंने बता दिया आपको। ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट को कंट्रोल करता है, वेरी गुड विशाल, मेरे बोलने से पहले बता दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए अब यहाँ पर भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? अरे बहुत सारे नाम है भाई, अगर हम लोग गुप्त वंश की बात करते हैं, सब सारा यहाँ पर गुप्ता, गुप्ताज का ही नाम आ रहा है, ठीक है, मैं कई बार गुप्ताज का नाम बोल चुका हूँ, अब मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, मैं बस आपसे पूछूंगा, ये बताओ श्रीगुप्त को क्या कहा जाता था? मैं कई बार बता चुका हूँ यहाँ पे, श्रीगुप्त का उपनाम बताइएगा। फिर यहाँ पर घटोत्कच का, घटोत्कच का नाम बताइएगा। फिर यहाँ पर बताइएगा आप चंद्रगुप्त प्रथम का नाम बताइएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर समुद्रगुप्त एक व्यक्ति आता है, पूरा मैं आपको बता दूंगा, समुद्रगुप्त आता है, समुद्रगुप्ता के बाद में आता है चंद्रगुप्त, एक तो आता है रामगुप्त, इसका बेटा होता है, पहला बेटा होता है कौन? रामगुप्त, ठीक है। और दूसरा जो बेटा होता है वो हो जाता है क्या सर? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। फिर यहाँ पर इसके बाद कुमारगुप्त आता है, आपको पता होगा अगर, ठीक है, मैं डिटेल में डिस्कशन करता हूँ हर एक चीज़ का। चलिए कुमारगुप्त, फटाफट जरा सेशन को शेयर करना। फिर लास्ट राजा कोई मुझे बता दे तो तुरंत यहाँ से 10 पैसा इनाम में चला जाएगा आपके खाते में। चलिए आगे बताइए, बात करिए। थायराइड से, थायरॉक से निकलता है समुद्रगुप्त, यहाँ पे आंसर कर रहे हैं सभी लोग, तो भैया कॉन्ग्रेचुलेशन, समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर। नेपोलियन कहा गया, नेपोलियन बोनापार्ट भाई साहब जो है, इसको कंपेयर ही नहीं कर सकते भाई साहब ने 100 युद्ध लड़े हैं, 100 युद्ध लड़े हैं और एक भी नहीं जीता है, सॉरी एक भी नहीं हारा है, ठीक है, 100 युद्ध लड़े, बहुत महान व्यक्ति है भाई ये, ठीक है, इससे कंपेरिजन कहाँ कर रहे हो, क्लियर। इसको पराक्रमांक कहा जा रहा है, ठीक है, पराक्रमांक कहा जा रहा है, अश्वमेध पराक्रमांक, अश्वमेध, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ कराने वाला व्यक्ति था ये, ठीक है, 100 बैटल लड़ा है, ठीक। इन दोनों को कहा जाता है महाराज, मैं तीसरी या चौथी बार ये बता रहा हूँ, महाराज, इनको कहा राजा, कहा जाता है महाराजा धीराज, महाराजा धीराज। महाराजा धीराज इनको कहा जाता है यहाँ पे, चंद्रगुप्त प्रथम को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इनको क्या कहा जाता है, उल्टा बोल दिया, ये वाला यहाँ चला जाएगा और ये हो जाएगा इनके लिए, ठीक है। इनके तो बहुत सारे नाम है भाई, जितना बोल दो उतना कम है, नेपोलियन बोल रहे हो अभी आप लोग, ठीक है, नेपोलियन बोल रहे हो आप, अभी बोल रहे थे सर क्या पराक्रमांक बोल रहे थे इनको, अभी आप पराक्रमांक बोल रहे थे, अभी आपने अश्वमेध, इसको इसको परम भागवत भी बोला जाता है, परम भागवत, यस परम भागवत, ठीक है। फिर यहां पर ये व्यक्ति आ जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य बोला जाता है। चलो ये व्यक्ति थे जिन्होंने नालंदा बसाया, ठीक है, नालंदा बसाया, पता होगा आप लोग को, किसने तोड़ा था नालंदा। चलो नेक्स्ट,
अच्छा निधि मैम ने हिस्ट्री पढ़े बैठे हैं तो नींद आने लगती है। चलिए कोई बात नहीं भाई, नींद ना लो, आइए। दीन ए इलाही किसको किसने इनिशिएट किया? दीन ए इलाही धर्म यहाँ पे किसने इनिशिएट किया, और इस धर्म को अपनाने वाला फर्स्ट व्यक्ति कौन था? फर्स्ट हिंदू व्यक्ति, फर्स्ट हिंदू व्यक्ति। चलो फटाफट बताओ इसको जरा। बख्तियार खिलजी, यस। कनिष्क सेकंड, अशोका, महाराजा धीराज, देवपुत्रा। ओके खुशी, अकबर इसका सही आंसर होगा, अकबर इसका परफेक्ट आंसर होगा। अब देखो यहां पर मुझे नहीं, दो ही प्रश्न मिल रहे हैं, दो ही प्रश्न मिल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो फर्स्ट व्यक्ति कौन था जिसने इसको अपनाया? महेश दास ने अपनाया, ठीक है। महेश दास, महेश दास कौन है भाई? वही बीरबल, ठीक है। कौन सर? बीरबल, ठीक है, बीरबल व्यक्ति है भैया। चलो नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं, आइए। तो अब यहाँ पर ये यह हो गया, अकबर ने इनिशिएट किया। इसके तहत अकबर ने क्या किया था? दीन ए इलाही, ठीक है, दीन ए इलाही धर्म बनवाया था इसने, इलाही कैलेंडर बनवाया, इलाही संबत बनवाया, ठीक है, इलाही कॉइंस बनवाए, इलाही कॉइंस बनवाए, यस इलाही कॉइंस बनवाए, ठीक है, बहुत सारे काम किए इसने। चलिए यहाँ पर बात कर देते हैं, जलालुद्दीन। हाँ अकबर का मतलब था महान, अकबर का जो मीनिंग है ना, अकबर का मीनिंग जो है ना, वो मीन की अगर बात करो वो महान है। वैसे इसका नाम क्या है? जलालुद्दीन है पूरा नाम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात कर देते हैं। अच्छा ये हिस्ट्री के क्वेश्चन आने लगे हैं क्या? चलो बताओ यहाँ पे, हु सक्सीड द सिराजुद्दौला? सिराजुद्दौला के बाद में नवाब ऑफ बंगाल के रूप में कौन आया? प्लासी का युद्ध कब हुआ पहले तो ये बता दो, जरा सेशन को शेयर करो फटाफट। चलो प्लासी का तीन चार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, चलो ये तो पूछ रहा हूँ आपसे मैं। देखो तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चलो बताओ यहाँ पे फटाफट। यहाँ पर पानीपत, पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध। चलो अब यहाँ पर बताओ बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, प्लासी का युद्ध बताओ। अब उसके बाद बताओ बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। चलो क्वेश्चन पूछ लिया, तीनों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वही सब पूछ लिए। अब देखो यहाँ पे एक शब्द सुनना, MJMK, कैसे याद करोगे? MJMK, जे पहले आता है और के बाद में आता है, जग पहले आएगा काइट वाइज में आएगा, है ना, तो मीर जाफर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? बड़ा कंफ्यूजन रहता है ना सर, मीर कासिम या मीर जाफर, मीर कासिम या मीर जाफर, अब बताओ कंफ्यूजन रहता है ना, कंफ्यूजन दूर हुआ या नहीं दूर हुआ? हाँ ठीक है, याद करने का तरीका जे पहले आएगा के पहले आएगा, ठीक है, मैंने MJ माइकल जैक्सन से याद किया था, ठीक है, तरीका है अपना अपना, जैसे आप तैयार कर लो, जैसी ट्रिक आप बना लो अपने दिमाग में। देखिए तराइन का युद्ध 1191 में हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में होता है, किसके किसके मध्य हुआ ये बता दो। पानीपत का होता है 1526 में, द्वितीय युद्ध होता है 1556 में, ठीक है, 1556 में, तृतीय युद्ध होता है 1761 में, प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, और बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। क्लियर हो गया बात? देखो सारा बता दिया यहाँ पे, सब बता दिया यहाँ पे, किनके किनके मध्य हुआ ये तो बता दो। एक मिनट, तराइन, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ है 1191 में, जो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, उसके बाद जो द्वितीय हुआ गौरी और चौहान के मध्य हुआ था, चौहान जिसमें हार जाते हैं गौरी जीत जाता है। पानीपत का युद्ध प्रथम जो होता है 1526 में होता है, किसके मध्य? यहाँ पर इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, सॉरी 1526 वाला, 1556 वाला होता है किसमें? हेमू और अकबर के बीच में, और 1761 वाला होता है किसके बीच में? मराठों के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। फिर प्लासी में युद्ध में कौन लड़ता है? यहाँ पर कौन आता है? लॉर्ड क्लाइव, अंग्रेजों की तरफ से कौन आता है? लॉर्ड क्लाइव, कौन आता है? लॉर्ड क्लाइव, और सिराजुद्दौला की मदद लड़ता है, सिराजुद्दौला हार जाता है, फिर मीर जाफर यहाँ पर बनता है। क्लियर है यहाँ तक? देखो सब याद हो गया एक बार में। चलो अब यहाँ पर क्या है भाई, ढाई दिन का झोपड़ा, चलिए ढाई दिन का झोपड़ा बताइए। क्वेश्चन एक साथ ही आ रहे, जरा लग रहा है यहाँ पर सारे क्वेश्चन आने चाहिए थे। सेकेंड,
चलो कोई ना, अरेंजमेंट सही नहीं गया इसका। ये दिख रहा होगा 2.5 दिन का झोपड़ा, जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ फटाफट। यस, अजमेर में बनाया किसने था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली मॉस्क बनवाई थी, मस्जिद। ठीक है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी। फिर उसके बाद में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था इसने, और कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया था। कंप्लीट किसने करवाया, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे? कंप्लीट किसने करवाया जल्दी से बताइए, कंप्लीट किसने करवाया? यस, कंप्लीट किसने करवाया ये आपके सामने हो जाएगा। चलिए हाँ, चलो ये बताओ, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं हायर एल्टीट्यूड पे जाने पर कम होती हैं, बढ़ जाती हैं? हाँ, चौंगा खेलते वक्त यहाँ पे डेथ हो जाती है, बस बढ़िया। हाँ, छवि सक्सेना मैम बता रही है यहाँ पे, वेरी गुड। जरा सेशन को शेयर करो सभी लोग। कंप्लीट कराया किसने? कंप्लीट कराया इल्तुतमिश ने। चलो इसका आंसर बताओ जरा, संख्या घट जाएगी हायर एल्टीट्यूड ऊपर जाने पर, यहाँ पर क्या होगा? ऊपर मतलब ऊपर नहीं जाना है, पहाड़ों पे ऊपर जाना है बेटा। ठीक है, तो ये बताओ संख्या बढ़ेगी, संख्या घटेगी, या संख्या विल ग्रो इन साइज, साइज में ग्रोथ होगा, संख्या घट जाएगी, संख्या बढ़ जाएगी? चलिए सभी लोग अलग अलग आंसर कर रहे हैं, बिकम साइज स्मॉलर। यहाँ पे आंसर होगा संख्या जो है वो बढ़ जाएगी, हायर एल्टीट्यूड पे जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ एयर वो क्या हो जाती है? लेस हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पतली हो जाती है, हवा पतली हो जाती है। तो ऑब्वियस बात है ऑक्सीजन पतली होगी, हम जब ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं ले पाएंगे तो हमारा बॉडी तो यही समझेगा कि भैया हमारा RBC प्रमुख रूप से काम नहीं कर रहा है, हमारे पास में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो वो क्या कर देगा, नंबर्स को इंक्रीज कर देगा। इसीलिए वहाँ पर आपने देखा होगा जिनके चेहरे होते हैं वहाँ पर थोड़े थोड़े से रेड स्पॉट्स टाइप में पड़ जाते हैं, अगर आप जाओगे तो पिंक यहाँ पे चीक्स हो जाएंगे, पिंक चीक्स हो जाएंगे। क्लियर हो गया? पिंक चीज चीक्स हो जाएंगे, यहाँ पे घटेगी नहीं भैया, इंक्रीज होगी। चलो क्लियर है भाई, सी वाला आंसर मिला सभी को। चलो जरा सेशन को शेयर करो। ठीक, आइए बात करते हैं यहाँ पे। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन इसके पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, ये बताओ जरा, ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक के बारे में किसमें पता लगता है? चलो ये बता दो, म्यूजिक के बारे में किसमें पता लगा, जल्दी से बताओ। अभी तक कितने क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, लास्ट में सबसे सबसे स्कोर पूछूंगा। और यहां पर रिप्लाई मत करना, पहले बता दे रहा हूं, लाइव चैट में रिप्लाई मत करना, कमेंट बॉक्स में करना, कमेंट बॉक्स में सभी लोग करना, जितने के जितने यहां पे लोग थे या हो। ये देखो लाइव इतने लोग हैं और जो है लाइक कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत सही भैया। चलो मैंने कहा था सा से सा को मिला, मतलब सर गम को मिलाओ, बस आ जाएगा आंसर आपका सामवेद। ठीक है, सामवेद में मिला है, सामवेद में वहीं आपको और किस चीज के प्रमाण मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं सर फ्लड के, सॉरी उसके भुखमरी के। ठीक है, यस, यहां पर बोला हंगर के मिले। यजुर्वेद इकलौता ऐसा वेद है जो दो पार्ट में बटा हुआ है, कौन सा सर? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, या सुनो, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अथर्ववेद में आपको प्रमाण मिलता है किस चीज का? जादू का। ठीक है, वो जादू दोस्त आपके, जादू टोना। ठीक है, अंधविश्वास या इन सब मतलब इस चीज में मिलता है। वास्तुकला के बारे में मिलता है, मतलब आपका आर्किटेक्चर के बारे में मिलता है, आर्किटेक्ट साइंस के बारे में मिलता है यहाँ पे, वास्तुकला के बारे में। ऋग्वेद में आपको यहाँ पर क्या मिलता है? ठीक है, 10 मंडल मिलते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा, गायत्री मंत्र इस सब में किस में मिलेगा? गायत्री मंत्र इन सब में किस में मिलेगा? जल्दी से मुझे कोई आंसर कर दे। और स्वयंवर, दो चीजें। ठीक है, एक तो स्वयंवर है, ठीक है, दूसरा गायत्री मंत्र है।
प्रोज एंड पोएट्री, यस। गद्य और पद्य। चलो क्लियर हुआ यहां तक, जरा सचिन को शेयर करो। यस, गायत्री मंत्र का प्रमाण हमको मिलता है कहां पे सर? गायत्री मंत्र का प्रमाण मिलता है हम लोग को ऋग्वेद में। ठीक है, किस मंडल में है? थर्ड मंडल में है। वेरी गुड, ये सब बता चुका हूं मैं मेरी क्लास में। स्वयंवर बता दो भाई जरा। चलो ये भी हो गया है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइलम से रिलेटेड। फ्लैट वर्म, चट्टे फीताकृमी, मोलस्का में अगर बात जाए तो मोलस्का का नाम अपने आप में पड़ जाता है सर, सॉफ्ट बॉडी, सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स, सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स। ठीक है, मतलब एकदम सॉफ्ट बॉडी रहती है। तो इनमें क्या पाया जाता है? प्लस प्लस इनमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है, कवरिंग पाई जाती है। क्लियर हो रहा है यहां तक? यस। मुंडक उपनिषद? नहीं, गलत गलत आंसर कर रहे हो भाई, गलत आंसर कर रहे हो। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज, डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, और कॉर्डेटास में क्या होता है सर? जो बैकबोन होती है ना, यहां पर बैकबोन वो पाई जाती है डेवलप्ड प्रॉपर फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे चिनेटोफोरा ये अलग किस्म का है। ठीक है, यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? डी आ जाएगा, प्लेटी हेलमेंथीस। प्लेटी नाम समझ में आ रहा है, हेलमेंथीस क्रमी बोल देते हैं। ठीक है, हाँ ठीक। एग्जाम्पल कोई मुझे बताए तो इसमें आंसर आ जाएगा सर लिवर फ्लूक, और आपका एक आ जाता है सर टीनिया सोलियम। कोई मुझे बताए ये किसका नाम मैं बोल रहा हूँ? टीनिया सोलियम, नाम सुना होगा आप लोगों ने, टीनिया सोलियम नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, फटाफट बताइए। सत्यमेव जयते मिलता है, मैंने स्वयंवर पूछा था प्रभु, मैंने स्वयंवर पूछा था। यहां मैंने कहीं भी लिखा है क्या? देखिए जरा, हम भी गलत साथ गलत लिखते हैं। नहीं, स्वयंवर लिखा है महाराज। आइए चलो क्लियर है, जल्दी से बताओ फटाफट, जल्दी सुनाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है आज का। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर डिवाइडेड हिज किंगडम इक्तास फॉर द सिविक एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। इक्तास या इक्तेदार, अब इक्तेदार जैसे नाम आएगा तो वो समझ जाना बस एक ही व्यक्ति है जो परमानेंट आर्मी नहीं रख रहा है, परमानेंट आर्मी नहीं रख रहा है। वो क्या कर रहा है? अपने सैनिकों को ही बना दे रहा है क्या? इक्तेदार बना दे रहा है और कह रहा है कि भैया टैक्स मतलब कर को जमा करो और राजस्व को जमा करो तो तुम हो जाओगे क्या? इक्ता हो जाओगे। तुम क्या हो जाओगे सर? इक्ता हो जाओगे या मुक्ता हो जाओगे? मुक्ता, मुक्ता या वली हो जाओगे। क्लियर हो रहा है? या वली हो जाओगे। तो ये व्यक्ति हैं भाई साहब, कौन? इल्तुतमिश, ये ध्यान रख लेना। इल्तुतमिश परमानेंट आर्मी नहीं रखता है, सैनिकों को ही यहाँ बना देता है क्या? हाँ, उसके बाद में चालीसा लेकर आता है, ये चालीसा लेकर आता है, ग्रुप ऑफ 40s। ठीक है, ग्रुप ऑफ 40s चालीसा लेके आता है, और इनके बारे में सब बात कर चुके हैं। बलबन भाई साहब ये चालीसा से ही व्यक्ति होते हैं और चालीसा को तोड़ कर क्या करते हैं? यहाँ पर शासन करने पहुंच जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करी जाए तो ये व्यक्ति वो है जिसने परमानेंट आर्मी रखी है, परमानेंट आर्मी रखी है, और उसने क्या समाप्त किया? ये इक्तेदारी वाला सिस्टम समाप्त कर दिया। किसने? इल्तुतमिश ने, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी ने ये सब समाप्त कर दिया, परमानेंट आर्मी रखी। ठीक है, और दाग और हुलिया, दाग एंड हुलिया, दाग और हुलिया नाम की दो प्रथाएं अलग से चलवाई। ठीक है, बलबन ने किया था, बलबन ने क्या किया था? फोबोस और सिजदा दो नाम के प्रथाएं चलवाई थी, फ्योबोस, फ्योबोस और एंड सिजदा, सिजदा, फ्योबोस और सिजदा। नवरोज चलवाया था, आपको याद होगा नवरोज, 9 दिन का फेस्टिवल, पर्शियन फेस्टिवल था ये एक प्रकार से। आई होप यू रिमेम्बर दिस। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। चलिए जरा मुझे फटाफट आफ्टर सेशन, आफ्टर सेशन क्या बताइएगा? कितना आप सभी ने स्कोर किया है, कितना आप सभी ने स्कोर किया है? क्या 100% सही था आपका?
या गलत है जरा बताइएगा। उन सभी को कल मैं क्या करूंगा, ठीक है, मेंशन करूंगा। चलिए क्लियर है यहां तक, आई होप। सेकंड गलत हुआ मेरा क्वेश्चन, गलत पढ़ गलती हो गई, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो आई होप यू ऑल एंजॉय द क्लास। आप सभी ने क्लास को एंजॉय किया या नहीं किया, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए जीएस और जीए विद संजय सर टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना। चलिए फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट टाइम पे, कल ही इसी समय पर इसी धारावाहिक में मुलाकात करेंगे। चलिए थैंक यू।